चलो भाई यहाँ से लाइफ जैकेट ले लेते हैं हम लोग, एक बार फिर से जो समंदर के अंदर जा रहे हैं। ओके चलो भाई आ जाओ, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी हम लोग जो हैं वो पिचावरम, आप कहाँ से हो? चेन्नई। एक्चुअली ये पिचावरम स्थान है तमिलनाडु के अंदर, और यहाँ पर क्या है फॉरेस्ट है। बोट की टिकट अलग से और जंगल में जाने की टिकट अलग से लगी है। आज बहुत अंदर तक जाएंगे, बहुत अंदर तक। लकड़ी वाली नाव में चढ़ते हैं आगे। लकड़ी वाली नाव है जिसके अंदर अभी हम लोग बैठे हैं। भास्कर आज हमारे साथ में भास्कर जी है, और ये हमें लेके जाएंगे मैनग्रोव फॉरेस्ट, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा। एक्चुअली ये इस तरह का जंगल जो है वो होता है खारा पानी और मीठा पानी। ये रिवर पे पिचावरम रिवर, तो ये और सिटी पिचावरम गांव है, पिचावरम नदी है, और ये नदी आके समुद्र में मिलती है, और नदी का मीठा पानी समुद्र का खारा पानी यहाँ पर मिक्सअप हो रहा है। ऐसे पानी के अंदर यानी खारा और मीठा पानी मिक्सअप हो जाता है। इसके अंदर क्या है कुछ वनस्पति ऐसी होती है जो पनप जाती है, जंगल के जंगल खड़े रहते हैं। और ये भारत में कई जगह पर है, लेकिन ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट है, बहुत बड़ा है। हमने आज तक ऐसे जंगल के बारे में सुना ही नहीं है। नहीं पता था कि मतलब पानी के अंदर भी जंगल होता है। ये दो दिन पहले ही हमें पता चला, तो ये बता रहे थे कि पानी के अंदर जंगल है। पानी के अंदर जंगल कैसे हो सकता है? क्योंकि खारे पानी के अंदर नॉर्मली पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, और यहाँ पर खारा पानी मीठा पानी मिक्सअप होने के बाद में बहुत सारे जो पेड़ पौधे होते हैं उग जाते हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट समुद्र और नदी मिक्स, पानी में जंगल है। अभी पानी में जंगल में जा रहे हैं, समझी? मैनग्रोव फॉरेस्ट नाम है अभी। और यहाँ पे एसी वाली नाव भी चलती है, और जो मोटर बोट है वो भी चलती है, पर वो तो हमें पसंद नहीं है। एसी हमें रिलैक्स वाली चलती है। अभी हम धीरे धीरे जंगल के अंदर जा रहे हैं, जहाँ से चली थी वहाँ पे तो सिर्फ पानी था, लेकिन अभी जंगल के अंदर जा रहे हैं धीरे धीरे। आज एक बार फिर से मौका मिला है नाव चलाने का। उल्टा हो गया यार, फिर से उधर जाने के लिए गया ऐसे। नाव चलाओ, ये देख रहा हूँ ऐसे करके ऐसे। अभी ये चला रहे हैं, लेकिन इनके बस की बात नहीं है। दोनों साइड में पेड़ है, और एकदम पेड़ों की छांव में चल रहे हैं। ट्री पहियर है राइसोब्रा ऑल राइसोब्रा ट्री। हां हां, कैनाल साइड ओनली राइसोब्रा, कैनाल साइड। आउट साइड வந்து ஹவுஸ்னியா, ஹவுஸ்னியா टोटल मैंग्रोव फॉरेस्ट। 20 वैरायटी है लगभग यहां पर जो है इनकी, ये जो है पेड़ है इनकी 20 वैरायटी का। वाओ बहुत सुंदर है। इस तरह के जंगल जो है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, ऐसे मज़ा आ रहा है। पूरी तरह से चारों और बस पानी पानी, बीच में इस तरह की गली आ रहे हैं। ये बता रहे हैं पानी के इस जंगल के अंदर सांप भी है, और कई सारे समुद्री जीव भी है। दस उदारम शूटिंग व्यू, ये इस मूवी की बता रहे हैं, यहाँ पर शूटिंग हुई है। और एक इस तरह के जंगल वाली मैंने हॉलीवुड मूवी देखी थी, उसके अंदर इस तरह के जंगल के अंदर जाते हैं और वो डेंजर सिचुएशन के अंदर फंस जाते हैं, नाम मुझे याद नहीं है। बहुत सुनसान आ गया, अभी खतरनाक घना जंगल आ गया यहाँ पर, तो अंधेरा है। ये तो पानी की गुफा है, बहुत डेंजरस प्लेस आ गया इसके अंदर, तो बहुत खतरनाक।
ये अजीब लकड़ी है यार, कैसे पानी के अंदर, खारे पानी के अंदर। बहुत जबरदस्त है, जो यहाँ पे लगे हुए थे वो निकाल दिए और एकदम छोड़ दिया, अपने आप चल रही है धीरे धीरे, क्योंकि पूरा गलियारा बना हुआ है। पूरा अंदर की साइड में से चाय जा रहा है, जाहिर भयानक होता जा रहा है। तू पढ़ जाएगी, बोलो भयानक भयानक बेटा, साउंड में हिट जाता। ये तो किसी हॉलीवुड बॉलीवुड जबरदस्त मूवी के अंदर सीन होता है ना, वैसा है पूरा। आगे और ज्यादा खतरनाक है, एकदम पतला पतला है। अगर कोई अनजान आदमी ऐसे जंगल के अंदर फंस जाए ना, तो वापस निकलने की कोई चांस नहीं है, फिर उसको पेड़ों के ऊपर रात बितानी पड़ेगी। पेड़ है तो सिरी की रात बिताना है। झाड़ है, तन्ना नहीं है इनका, बस ऐसे ही है जैसे अब दिख रहा है ना, ऐसे ही। ये जंगल का गुफा है, भयानक जंगल का गुफा। एक्चुअली हम लोग जो एक्स्ट्रा और आगे आ गए हैं जंगल के अंदर, बहुत खतरनाक जगह, इससे आगे जा नहीं सकती, फंस गई। क्योंकि झाड़ बहुत ज्यादा गहरे आगे नहीं। धीरे धीरे आगे बहुत गहरा होता जा रहा था जंगल, बहुत खतरनाक होता जा रहा था, एकदम सुनसान, हमें बहुत डर लगने लग गया था। हमारे साथ में जो नाविक थे उनको हमने बोला, भाई आप यहीं से वापस ले लो नाव, क्योंकि आगे और ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा था, हम उससे आगे नहीं जाना चाहते थे। अभी हम दूसरे रूट से जा रहे हैं वापस, एकदम। ये इस तरह के जो मैनग्रोव टाइप के जो जंगल होते हैं ना, ये कई बारी जैसे तूफान आते हैं, समुद्री तूफान वगैरह, और तो उनमें बहुत मदद करते हैं एक तरह से। हाँ, तो पानी को मतलब ये झुरमुर है तो पूरा का पूरा, तो उसको रोकेगा कुछ, उसके प्रेशर को कम कर देगा। अच्छा। तो आपदा वगैरह आती है ना, तो उसके अंदर ये हेल्प स्टॉप सुनामी स्टॉप दिस तो ये जो खुले जो बीच होते हैं ना, उनकी तुलना में ये उसका प्रेशर कम कर देता है, रोक देता है एक तरह से। यूजफुल ट्री पनी कुत्ती। इसके अंदर क्या, इस तरह से झाड़ वाले रास्ते सारे के सारे और सब एक जैसे लग रहे हैं, और ये कह रहे हैं इसके अंदर घूमेंगे तो बहुत दिन लग जाएंगे अगर सारे रास्तों को देखेंगे। अरे कुछ भी चेक करने में लग गया। इसमें सिंगाड़े की खेती नहीं होती, यूजफुल मेडिसिन। काउ ईटिंग। अच्छा, इस तरह के जंगल जो केरला में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है, कई सारी जगह पर भारत में। हमेशा से मैं ऐसे सोचता था इस तरह की बोटिंग करनी है, इस तरह के जंगल के अंदर कैसे जाते हैं। वनों की खास बात यह है कि ये हमेशा इसी तरह से हरे भरे रहते हैं साल भर, मीठे और खारे पानी के संगम के ऊपर बहुत विशाल वन, एकदम झुरमुर की तरह। बीच बीच के अंदर ये जो कैनाल है, इनके अलावा कहीं पर भी रास्ता नहीं है जिनके अंदर से जो हम लोग निकल सकें, पूरा पानी के अंदर है ये पेड़ खड़े हैं ना, ये पानी के अंदर है। तो भी हम लोग वापस आ गए हैं स्टैंड पर जहाँ से बोटिंग हमारी शुरू हुई थी। बहुत सारा सामान लेके गए साथ में, खाने पीने का भी लेके गए बोट के अंदर, और करीब करीब एक घंटे से ज़्यादा ही होगा, डेढ़ घंटा से ज़्यादा होगा शायद, इतना सफ़र हम लोग तय करके पूरा फॉरेस्ट के अंदर। उस साइड में पूरा समुद्र है, लेकिन समुद्र से पहले खूब जंगल है यहाँ पर, बहुत बड़ा। ये यहाँ पर बोट हाउस है, 1800 रुपये में मोटर वाली बोट है, हम लोग तो 400 रुपये के अंदर वो नॉर्मल बोट के अंदर गए थे, और 1400 रुपये में ये कह रहे हैं रूम भी अवेलेबल है यहाँ पर अगर कोई रहना चाहे तो। उसके बाद में हम लोग जो वापस पौंडीचेरी आ गए, एक्चुअली वो पौंडीचेरी से करीब 50-60 किलोमीटर पिचावरम दूर है यहाँ से, तो यहाँ से जा करके आए, और एकदम अलग तरह का एक्सपीरियंस रहा, जबरदस्त उस जंगल के अंदर, बहुत डरावना जंगल। अगर कोई अकेला चला जाए
मेरी तरह तो जरूर उसको डर लगेगा क्योंकि दम सुनसान और इतना बड़ा जंगल है। चलिए ठीक है, अभी मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ। अगर आप नए हैं तो शुभ जर्नी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू। राम राम।